हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कई लोगों ने मुझे ये पूछा, ठीक है, कमेंट भी आया था, मैं आपको कमेंट भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, ठीक है। वो हमने तो उन भाई ने मुझे ये पूछा था कि जैसे हम लोग पैच को लॉक कैसे करते हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इस पैच है, ठीक है, वो पैच को हम लोग लॉक कैसे करते हैं, ठीक है। अब आपको लॉक करने का फायदा बता रहा हूँ, ठीक है। आपका एक सपोज करके मैंने वन नंबर पे कुछ रखा हुआ है, प्रिकॉशन बाबो करके दिया है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट नंबर है, अब इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो मैंने इसको जिसमें सेट किया हुआ है, ये कोई छेड़छाड़ी ना करे, मतलब कोई अदर पर्सन आए और कोई भी चीज को छेड़े मत, जिसके कारण मेरा जो क्या होगा, जो पैच का जो सेटिंग है वो अपर डाउन हो जाएगा, मतलब बिगड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रोटेक्शन प्लस जो सेकंड प्रोटेक्शन होता है जो हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, जो राइट हैंडेड है वो राइट हैंड वाले, जो लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड वाले, उसके अकॉर्डिंग अपन लोग क्या चेंज करते हैं, हम लोग इस पैड को हम यहाँ लाएंगे, इस पैड को हम यहाँ ले जा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर विजिट कर सकते हो कि कैसे हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता है तो वो देख सकता है उस वीडियो को। तो इस सेट से हो जाता है, कई लोग आते हैं बिगाड़ के चले जाते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार कहाँ कहाँ चले गया, ठीक है। तो इसको लॉक करने के लिए प्लस आपका जितना भी इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी आपकी इधर फंक्शन होंगे ना, वो कोई भी छेड़छाड़ी नहीं कर सकता अंदर में, नहीं कि वॉल्यूम को अपडाउन कर सकता है ना, कुछ भी चीज इसमें सिस्टम का ऑप्शन है, सिस्टम में भी छेड़छाड़ी नहीं कर सकता अगर इसका आप इस पैच को अगर आप लॉक कर दिए हो। तो कैसा करते हैं वो भी आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, और लॉक करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, आप भी इसे लॉक कीजिए और आप भी अपने पैड को आप दूसरों से प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसकी स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ भी चीज इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिले तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाजू में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, उसको ऑल पे सेटिंग कर दो, और वीडियो पसंद आए तो लोगों तक शेयर कर, एक हर यूट्यूब वाले का डायलॉग होता है, मेरा भी यही डायलॉग है, तो प्लीज फॉलो अस। एंड मेरा एक फेसबुक पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसमें मैं अपने जितने भी नए वीडियोस बनाने वाला हूँ वो मैं उसमें लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है, या फिर उसमें मैं बताता हूँ। और भी अगर आपको कई सारे चीज होते हैं, अगर आपको आप नीचे कमेंट नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो आप मेरे फेसबुक पेज से आप जुड़ जाइए, वहां पर आप मुझे कमेंट कीजिए, सर मेरा ये डाउट है, मैं उस डाउट को भी आपको क्लियर करूंगा उस पेज पे, ठीक है ना। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पेज को जाइए फॉलो कीजिए और मुझे और भी ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसकी सेटिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें सिंपल है, अभी तो ये लॉक है, इसको पहले हम अनलॉक कर लेते हैं। तो आपको क्विक का बटन यहाँ पर आपको दिखे जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ क्विक का बटन कैसा होता है। ये आप देख सकते हो आपको यहाँ क्विक का बटन दिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप प्रेस करोगे, ठीक है ना, तो एक लिस्ट खुलता है। दोस्तों एक बार मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, मेरा ये जो ऐसा स्क्रॉलर है वो यहाँ का टूट गया है, तो अगर आप लोग के एरिया में या आप लोग के शहर में कहीं शॉप में इसका जो सामान मिलता है, एक्सेसरीज मिलता है ये चीज़, तो ठीक है, तो आप मेरे तक कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए कि ये चीज़ कहाँ मिल सकती है, जिसके मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसको, जैसे मैं रोल कर रहा हूँ ये सब चीज़ में तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये आपको जहाँ भी मिलता है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि वो अगर आपके एरिया में मिलता है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए इसके वापस स्क्रीन पे हम चलते हैं। तो देखिए ये जो लिस्ट है वो खुल चुका है, ठीक है ना, और ऊपर मैं भी देख रहे हो लॉक का दिया हुआ साइन। तो मैं आपको जैसे पहले ही बताया लॉक अगर करने से क्या क्या उसके फायदे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको लॉक को अपन लोग को खोलना है तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्क्रॉल बटन का जो थर्ड वाला है, जो स्क्रॉल का जो सेकंड वाला होता है, ठीक है, ये मीड में एक होता है, ये किधर होता है मेरा टूटा हुआ है मैं आपको दिखाया, ठीक है, उसके जस्ट सेकंड नंबर वाला को हम लोग ऐसे नीचे करेंगे, ठीक है। किट प्रोटेक्शन ऑन ऑफ लिखा हुआ, तो इसको हम लोग ओके कर देंगे। तो अब क्या हो गया, ये ऑफ हो गया। अब कोई भी इंसान इसके इस पैच के साथ वो कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है, खिलवाड़ कर सकता है। फिर अगर हम लोग को इसको लॉक करना है तो हम लोग सिमिलरली वही काम करेंगे, हम क्विक को प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे और किट प्रोटेक्शन को ऑन कर देंगे, तो इसके बाद कोई भी हमारे पैच को छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा सेटिंग था ये, आप लोगों को जानकारी, कई लोगों को जानकारी पहले से था, कई लोगों को जानकारी नहीं होगा, तो उन लोग इस जानकारी को पाके मुझे आशा है कि वो लोग कुछ ना कुछ सीखे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।